नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ई स्मार्टर एफडी चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2022 परीक्षाओं के लिए जिन्होंने यहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहां पर सबमिट कर दिया है, उसी के आधार पर यहां पर जो है बिहार बोर्ड डमी रजिस्ट्रेशन यहां पर कार्ड जारी कर रहा है। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने का फ़ायदे दोस्तों ये हैं, जो भी आपकी जो फाइनल मार्कशीट जो आती है उसमें होने वाली गलतियों से यहाँ पर बचा जा सकता है। कैसे बचेंगे, कोई गलती आपकी हो गई है तो उसको कैसे सुधार करना है, इस वीडियो में इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो बिहार बोर्ड द्वारा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो जारी किया जा रहा है दोस्तों, कब से कब तक यहाँ पर जारी किया जाएगा, तो यहाँ पर यानी कि 28 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक यहाँ पर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पर जो है डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, अपने स्कूल या कॉलेज के माध्यम से भी इसको देखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसमें होने वाली गलतियों, अगर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई गलती हो गई है तो उसको सुधार कैसे करवाना है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो है स्कूल या कॉलेज के माध्यम से ही यहाँ पर सुधार करवाया जा सकता है। अगर आपके नाम में, आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके माता पिता के नाम में कोई भी गलती होती है तो आप अपने स्कूल कॉलेज के माध्यम से इसमें सुधार करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो है जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अभी कर रहे हैं उनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कब से जारी होगा, तो यहाँ पर 5 अगस्त के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है उनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड वो डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आप सभी के लिए कैसी लगी। वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा ताकि सभी अपना जो है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर सके और गलतियाँ हैं उसमें सुधार करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।